नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री तो कांग्रेस से ही बनेगा, महाराष्ट्र में रिजल्ट से पहले बोले नाना पटोले। ये देश हित की बात है, संसद में उठाएंगे मुद्दा, गौतम अडानी पर आरोप को लेकर बोली प्रियंका चतुर्वेदी। मणिपुर में 3 जिलों में 5 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढिलाई, जरूरी सामान खरीदने पहुंचे लोग। आपकी पीएसी बैठक शुरू, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी को बचाया जा रहा है, बोले छोटा अपराध करने पर भी जेल हो जाती है, अडानी 2000 करोड़ का घोटाला करके भी बाहर। दिल्ली चुनाव के लिए आपकी पहली लिस्ट जारी, 11 उम्मीदवारों के नाम। राहुल गांधी ने कहा पीएम विपक्ष के नेता के रूप में मैं अडानी मुद्दे को लोकसभा में उठाऊंगा। गौतम अडानी पर न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी, रिश्वत देने का आरोप, दावा सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय अधिकारियों को 2200 करोड़ की रिश्वत ऑफर की। फर्जी डॉक्यूमेंट से बाहरी खिलाड़ियों को खिला रहे सेक्रेटरी, राजस्थान के खिलाड़ी भरतपुर क्रिकेट एसोसिएशन से परेशान, बोले हमसे टीएडीए मांगते हैं। डोमिनिका और गुयाना ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया, भारत गुयाना में जनौषधि केंद्र खुलेगा, डिजिलॉकर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च होगा। योगी लखनऊ में मूवी देखने सिनेमा हॉल पहुंचे, मंत्रिमंडल के साथ द साबरमती रिपोर्ट देखेंगे, 2002 के गोधरा कांड पर बनी है। कनाडाई मीडिया का आरोप, मोदी जानते थे निज्जर हत्या की साजिश, जयशंकर और डोभाल को भी जानकारी थी, भारत का जवाब ये बेतुका बयान। केंद्र ने मणिपुर को दी सौगात, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मंजूर किए 104.66 करोड़। लखनऊ में दिलजीत के शो के टिकटों की मारामारी, 1.89 लाख में बिक रहा टिकट, फैंस बोले दोसांझ जितने बेसिक टिकट उतनी महंगी। शिपाल बोले गुंडेकर डीएम एसएसपी ने बीजेपी को वोट डलवाए, सत्ता में आए तो इनकी लिस्ट बनाएंगे, रामगोपाल ने कहा दोबारा चुनाव हो। अलीगढ़ में बस ट्रक की टक्कर में 5 की मौत, 15 घायल, घने कोहरे में यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा, दिल्ली से आजमगढ़ जा रही थी। एमपी राजस्थान सहित 4 राज्यों में घना कोहरा, जयपुर में दिन में भी धुंध, 2 दिन स्कूल बंद, कश्मीर के शोपियां में तापमान -3.9 सेंटीग्रेड। स्वरा भास्कर ने ट्रोलर्स को लगाई फटकार, पहनावे को लेकर किया था ट्रोल, बता दें कि पता नहीं था ये नेशनल लेवल की बहस का मुद्दा बनेगा। अमेरिकी एजेंसी द्वारा लगाए गए आरोप निराधार, बोले अडानी ग्रुप के प्रवक्ता। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।